जय हिंद आप लोगों का स्वागत है नेशनल फिजिकल एकेडमी स्पोर्ट्स विद एजुकेशन आज चलते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जो समाचार है समाचार पत्रों में देखते हैं वो क्या है दिया उन्होंने पहला है रिक्त पद न मिलने पर अटकी टीजीटी पीजीटी काउंसलिंग ठीक है ये देख लीजिए आप अपर निदेशक माध्यमिक जीडी डी डी आई ओ एस को लिख चुके हैं पत्र अपडेट है उप निदेशक तीन बार फोन कर मांग चुके हैं पदों का विवरण ठीक है अब इसको देख लेते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2021 हजार और प्रवक्ता वर्ग पीजीटी भर्ती के रिक्त पदों के विवरण के अभाव में दूसरी काउंसलिंग अटकी है ठीक है शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस भर्ती को अवश्य पैनल रिक्त पदों को भरने के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको दस मंडलों में जनपद दो हज़ार इक्कीस अवशेष पैनल की काउंसलिंग कराने के लिए ठीक है देख लीजिएगा आप लोग और उसके बाद जो है इस भर्ती के रिक्त पदों के सभ्यक्ष निदेशालय एक बार काउंसलिंग कराकर कॉलेज आयोटर कर चुका है इसके बाद भी इस भर्ती में रिक्त पद है ठीक है अवशेष पैनल के विद्यार्थी धर्मेंद्र यादव संतोष कुमार ये नाम है इनका और नेक्स्ट चलते हैं आपका ये भी अच्छी एक रिक्त पद नहीं मिलने पर अटकी टी जी टी पी जी टी काउंसिलिंग और शेष पैनल के अभ्यर्थियों का आरोप कम पदों का विवरण भी भेजा ठीक है ये देख लीजिएगा आप लोग सेम वही न्यूज़ है और अपन निदेशक माध्यमिक जी डी और डी आई ओस को लिख चुके हैं पत्र उप शिक्षा निदेशक तीन बार फोन कर मांग चुके हैं पदों का विवरण ठीक है और इसके आगे देखते हैं सेम वही है ये देखिए एक, एक ये अच्छी न्यूज है देखते हैं रिक्त पद नहीं मिलने पर अटकी टी जी पी जी काउंसलिंग ये है हाँ ये देखिए पुराना भर्ती विज्ञापन अपडेट करने अपडेट करके पूरी करें वो एंट्र किया ठीक है ये देखिए और नया आयोग से होगी शिक्षकों की भर्ती इस भर्ती का विज्ञापन डेढ़ वर्ष पहले आया था नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सदस्य की प्रक्रिया चल रही है इन पदों पर चयन की हो जाए तो हो इस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए इस भर्ती इस आयोग के अंतजार में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का असिस्टेंट प्रोफेसर एडल विद्यालय प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की भर्ती रुकी हुई है ठीक है और तो ये चलिए कुछ तो पेपर में निकल रहा कम से कम टी जी को लेके और तो ये चीज़ें हैं हाँ एक चीज़ और देखिए आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए दो माह करना होगा इंतजार इसको पढ़िए प्रदेश के शासकीय असा, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों विद्यालयों में शासकीय विद्यालयों में लंबित पढ़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि और तिथि तिति के अभ्यर्थियों को अभी दो माह इंतजार करना पड़ेगा ठीक है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की पहली बैठक या इसके बाद ही परीक्षा तिथि पर निर्णय हो जाएगा ठीक है देखिए हाँ शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या इक्यावन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर तो, के एक हजार पर पदों भर्तियों और के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टी जी टी के इतने पदों पर ठीक है टी जी इन दोनों भर्तियों में आवेदन की प्रक्रिया अगस्त चल चुकी है एक लाख असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सवा लाख और टीजी टी डिग्री तेरह लाख का आवेदन हो चुका है ठीक है तो आपको कंपटीशन टफ होगा लाखों अभ्यर्थियों ने डेढ़ साल में इन दोनों भर्तियों की पर परीक्षा तिथि घोषित घोषित नहीं होने का इंतजार है ये भर्तियाँ अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सक्रिय होने के बाद शुरू होगी शासन ने नए आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे आवेदन की प्रक्रिया पंद्रह जनवरी तक पूरी करने के बाद आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंद्रह दिन का वक्त लगेगा आवेदन स्क्रीनिंग के बाद नए अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा की जाएगी ऐसे आयोग के अध्यक्ष सदस्य जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में मिल सकते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग सक्रिय होगा और पक्षातम निर्णय आयोग के अध्यक्ष सदस्य को लेना होगा ठीक है तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए और इसके साथ ही जय हिंद जय जै भारत खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए थैंक यू